बात आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को चेता रहे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का हल्ला बोल देखने को मिला है। ये जानकारी देना बेहद जरूरी है कि हरियाणा में लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, इसे समझने का प्रयास कीजिए कि अब ये प्रदर्शन कैसे उग्र होता नजर आ रहा है। जींद और पलवल की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स काफी संख्या में इकट्ठा होकर कोरोना काल के बीच भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनमें सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विधायक के आवास का घेराव करने का प्रयास भी किया था। पलवल में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना जारी देखा गया। तो आंगनबाड़ी वर्कर्स आर पार के लड़ाई के मोड़ में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता दिनेश कुमार की रिपोर्ट पलवल से देखिए। 43 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज शहर में जो रैली निकालते हुए यूनियन के तमाम कर्मचारी आज विधायक दीपमला की कोठी पर पहुंचे हैं। यहां पर जो घेराव किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से। देखो, मोटे तौर से हमारी 4 बार मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है। उन्होंने 2-3 मांगें जो 2018 को मांगी हुई थी उनको लागू करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री ने 28 प्रदेशों के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के 1500 और हेल्पर के 750 रुपये की घोषणा की थी, उससे सरकार मुकर रही है। और उस एक मांग के ऊपर सबसे बड़ा आंदोलन आज हरियाणा में है। लगभग जेल भरो आंदोलन में 12 तारीख को 40,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर आई थी और सरकार की अभी आँखें नहीं खुली। वो अपने स्तर पर इनकी ट्रेनिंग का बहाना बनाकर स्ट्राइक को तोड़ना चाहती है। सरकार से स्ट्राइक नहीं टूटी। सरकार जब तक 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के लागू नहीं करेगी, यह हड़ताल वापस नहीं होगी। लंबे समय से धरना प्रदर्शन का चल रहा, आगे क्या रणनीति रहेगी? तमाम यूनियंस भी इसको जो समर्थन कर रही है। 22 तारीख को CIT और सर्व कर्मचारी संघ की सारी यूनियनें मिलकर उपायुक्त कार्यालय के मैदान में वहाँ पहुँचेंगे और पूरे दिन हड़ताल में इनका समर्थन करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो आशा वर्कर परियोजना कर्मी है और चाहे मिड डे मील परियोजना कर्मी है और वन मजदूर हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, ग्रामीण चौकीदार हैं, सर्व कर्मचारी संघ है, किसान सभा है, सारे के सारे इनके समर्थन में 22 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन होगा। प्रधानमंत्री जी ने हमें रक्षाबंधन के तोहफा कहकर, दिवाली का तोहफा कहकर 3-4 बार उन्होंने स्क्रीन पर भी, ये टीवी पर आकर इन्होंने दिया था, लेकिन उसका सभी राज्यों में इन्होंने कर दिया है लागू, लेकिन हमारे हरियाणा में ही नहीं किया गया। तो हम इसी वजह से इस हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम प्रमोशन की मांग करते हैं कि सभी विभागों में प्रमोशन होते हैं तो हमारे विभाग में क्यों नहीं होता? इन्होंने मान लिया कि वर्कर प्रमोशन हो सकती है हेल्पर से वर्कर, लेकिन वर्कर से सुपरवाइजर क्यों नहीं हो सकती? इसलिए हमारी ये मांग, जो लंबित मांग है, ये भी 2018 में मान ली थी, उसे भी पूरा नहीं किया इन्होंने। अर्धकुशल और कुशल, जिसका इन्होंने विधानसभा में जिक्र किया था कि इनको हम ये बना देंगे, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? अब ये तो खट्टर जी ही जानते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं माना है। विधायक जो कोठी का घेराव आपके जो यूनियंस की तरफ से किया गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे किस तरह होगा? किसी तरीके से हमारा इसी क्रम में आगे चलेगा। जैसे आज हमने यहाँ पर घेराव किया है मंगला जी का, इसी तरीके से हम होडल के विधायक का और फिर हतीन के विधायक का घेराव करने वाले हैं। वहाँ पर भी हमारी पूरी संख्या में इसी तरीके से वर्कर और हेल्पर उपस्थित रहेंगे। ये थे हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स और सीटू के जो कर्मचारी नेता, जिनका कहना है कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो मांगे हैं उनको लेकर आगे भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज विधायक की दीपमला की कोठी का घेराव किया गया, उसके बाद हतीन विधायक प्रवीण डागर, होडल विधायक जगदीश नायर की कोठी का भी घेराव किया जाएगा और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। पलवल से दिनेश कुमार, खबरें।